वेलकम टू आयरिस रिजॉर्ट जिम कॉर्बेट, रामनगर में है ये प्रॉपर्टी। बहुत ही सुंदर रिजॉर्ट है ये। जिम कॉर्बेट के घने जंगलों को क्रॉस करते हुए जब आप इस जगह में फाइनली पहुंचेंगे तो एक मन को सुकून मिलेगा। बहुत ही आकर्षक तरीके से इस जगह को डिज़ाइन किया गया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मेरा पूरा यही एक एफर्ट रहता है कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो मैं आपको वीडियो के थ्रू ज़रूर दिखाऊँ। अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर विज़िट कर चुके हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कैसा अनुभव यहाँ पे रहा, कैसा एक्सपीरियंस आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया। तो चलिए चलते हैं आयरिस रिजॉर्ट। देखिए कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही बड़े बड़े पेड़ पौधे यहाँ पे अच्छे से एक सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज वे में लगाए हुए हैं। और मैं आपको रोटेट करके भी अभी कैमरे को दिखाऊंगी कि ये जगह कितनी खूबसूरत है। अब मैं आपको रोटेट करके दिखा रही हूँ कि ये जगह देखिए कितनी ऑर्गेनाइज वे में है, कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे। एक पॉजिटिविटी आपको सच में एक लगेगा कि वाह क्या आकर्षक तरीके से इसको बनाया हुआ है, इस जगह को कितनी खूबसूरती से स्ट्रक्चर किया हुआ है। कितने सुंदर यहाँ पे आम के पेड़ हैं, बहुत छोटे छोटे आम मुझे एक ना देखने को भी मिले यहाँ पे, क्योंकि दिल्ली में तो हम सभी अपने घरों में बंद रहते हैं, क्या हम आम के पेड़ों को देखेंगे क्या किसी। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, मुझे तो यहाँ पे आंवले का पेड़ भी देखने को मिला, मैंने उसको भी शूट किया है, मैं आपको दिखाऊंगी। ये है रिसेप्शन एरिया, ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट का मेन्यू लगाया जाता है, टाइम टेबल एक प्रॉपर मेंटेन करके यहाँ पे रखा जाता है कि इतने से इतने बजे तक आपको लंच मिलेगा, इतने से इतने बजे तक आपका ब्रेकफास्ट है, इतने से इतने बजे तक आपको डिनर मिलेगा, इतने से इतने बजे तक आपको हाई टी प्रोवाइड की जाएगी। आपको एक प्रॉपर वे में बुफे सिस्टम यहाँ पर मिलता है और आप वहाँ पे जाके अच्छे से जितना मर्जी आप खाना खाइए, खाने की तो बहुत सारी। ये देखिए ये आंवले का पेड़ है, मैं आपको जूम करके भी दिखाने की कोशिश करूँगी। बहुत सारे आंवले भी गिरे हुए थे, मैंने 5-6 उठा के ना अपने पॉकेट में रख लिए थे और मैंने कुछ तो वहीं पे खा लिए। इतने सुंदर, मैंने इतने मतलब कि ऐसा तो मैंने अपने गाँव में देखा था, बट मुझे ये देखिए अगर आपको दिख रहा है, नहीं देखिए छोटे छोटे आंवला यहाँ पे इसमें पेड़ में लगे हुए हैं और बहुत सारे नीचे गिरे हुए थे, मैंने कुछ तो 5-6 तो उठा ही लिए थे। बहुत ही सुंदर व्यू था ये, मुझे तो मन कर रहा था कि मैं इस पेड़ पे चढ़ के ना सीधा आंवलों को तोड़ लूँ, बट कहते हैं ना कि जो चीज़ें सोचने में अच्छी लगती हैं वो इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि काफ़ी हाइट पर है ये पेड़। ये देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वो जगह है जहाँ पर हम, मैं आपको बताऊँ ये वो जगह है, ये वो वेन्यू है जहाँ पर हमें प्रॉपर अपना लंच अपना डिनर यहाँ पे हमें करना पड़ता है। देखिए कितनी अच्छे से इसको एक हट का एक लुक दिया हुआ है और अच्छे से आपको अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने अच्छे से देखिए सभी आराम से बैठ के यहाँ पे खाना खा सकते हैं। ये अब मैं फाइनल आपको रूम दिखा रही हूँ जहाँ पे मैंने स्टे किया था, जहाँ पे मैं रुकी थी, रूम नंबर 12। बहुत अच्छा है ये, ऊपर जाने का भी रास्ता है बच्चों के लिए, मतलब कि एक किंग की तरह लगा था कि लाइफ स्टाइल हमारा है यहाँ पे, आराम से बच्चों को ऊपर भी, एक बच्चों को और क्या चाहिए होता है, बच्चों को चाहिए होता है फ़न, उनको अपना ऊपर एक बेड मिला और वहीं पर ही मेरे बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। सच में बहुत ही नीट एंड क्लीन रूम मुझे अच्छे लगे यहाँ पे, रूम सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी है। तो ऐसा कुछ मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मैंने तो जो पर्सनली ऑब्ज़र्व किया मैं वही सब आपको बता रही हूँ। मुझे यहाँ की फैसिलिटीज़, रूम सर्विस, स्टाफ़ का बिहेवियर, सब कुछ यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली मुझे खाना यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि खाना एक तरीके से ना आपको अपनी चॉइस का अगर खाना मिल जाए, आप कहीं बाहर जाते हो तो उससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती, और इतनी वैरायटी ऑफ फूड मिल जाए तो शायद लगता है कि यार अच्छा हुआ पैसे खर्च कर लिए। क्योंकि हम क्या होता है दिल्ली में, क्या करते हैं हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो सब्ज़ी बना ली या फिर 3 सब्ज़ी बना ली, लेकिन यहाँ पर आपको इतनी वैरायटी ऑफ फूड के ऑप्शंस मिलेंगे जब आप जाएंगे लंच करेंगे डिनर करेंगे, तो आपके पास मतलब ऑप्शन ज़्यादा होता है, आप कुछ भी खा सकते हो, आपको स्वीट डिश भी मिलेगी, जूस भी मिलेगा, अनलिमिटेड फूड के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो पेट भर कर खाइए और डाइटिंग के लिए बस सोचिए, क्योंकि जितना हो सके आप खा सकते हैं।
अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये लोग बुफे सिस्टम को मेंटेन करते हैं। ये देखिए, ये रूम के बाहर का मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ, कितना अच्छा ये एक पार्क के तरीके से इन सब चीज़ों को अच्छे से एक सिस्टमैटिक व्यू में बनाया हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा, कम्प्लीटली मैंने यहाँ पे इंजॉय किया। तो ये सारा इसका एक जगह का एक फाइनल व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके पे कहाँ कहाँ इन्होंने चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज वे में बनाया हुआ है। ये पेड़ मुझे बहुत सुंदर लगा था, मैं आपको जो कैप्चर कर रही हूँ मैं दिखा रही हूँ, ये बहुत एक मतलब कि कहते हैं ना, एक ऐसा अट्रैक्शन पॉइंट था इस पेड़ में। मैंने यहाँ पर बैठ के ना मेडिटेशन भी किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं फाइनल आपको लेके चलती हूँ जहाँ पे आप हाई टी वगैरह अपने इवनिंग के जो भी स्नैक्स वगैरह, ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप का इन्होंने ये बनाया हुआ है। तो चलिए आपको थोड़ा सा स्विमिंग की तरफ लेके चलते हैं, मतलब कि स्विमिंग पूल की तरफ लेकर चलती हूँ। देखिए कितना नीट एंड क्लीन, एक खास तरीके से स्विमिंग पूल को इन्होंने ऑर्गेनाइज वे में बनाया हुआ है और बहुत अच्छा लगा। देखिए, आप भी देखिए, चलिए। वाह, क्या नज़ारा है। जैसे बोलते हैं ना कि अगर सब लोग खुश हो जाएं तो उनकी खुशी से बढ़कर क्या होता है। एक अपनापन सा लगता है ना, हम लोग वही डेली रूटीन में नहाते हैं, मतलब कि अपनी बात लेते हैं, रूटीन से लेते हैं, बट एक होता है ना एक एंजॉय करने का टाइम, कुछ समय थोड़ा सा नेचर के साथ स्पेंड करने से ना बहुत ही एक तरोताजा एक ज़िंदगी हो जाती है। तो ज़रूर आप लोग भी यहाँ पे जाइएगा, स्पेंड कीजिए कुछ अच्छा एक क्वालिटी समय अपनी फैमिली के साथ। जितना हो सके समय को आपने इन्जॉय करना है, क्योंकि लाइफ जितना छोटी है ना, उतना ही हमारे पास वो सारे क्वालिटी वाले ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। बट अगर जब भी ऐसे ऑप्शंस आपको मिलें तो उनको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। कहते हैं ना कि एक वर्ड यूज़ होता है, कि कुछ चीज़ों को ना हमें सच में अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ही खूबसूरती से उनको अपने। अब मैं आपको लेके चलती हूँ, अब हम जा रहे हैं लंच करने, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। हम तो आते ही ना सारे लोग स्विमिंग पूल में अपना एक रिफ्रेशिंग मूड, मतलब कि रिफ़्रेश करने के लिए हम लोग स्विमिंग पूल में सबसे पहले हमने वाटर का एंजॉयमेंट लिया। अब हम जा रहे हैं फाइनली बुफे सिस्टम की तरफ, क्या है यहाँ पे देखते हैं कि खाने में क्या क्या वैरायटी आपको मिलेगी, देखते हैं। चलिए, कहते हैं कुछ भी काम कर लो लेकिन खाली पेट ना किसी भी काम में मन नहीं लगता। चाहे हम कितना ही एंजॉयमेंट कर लें, कितने ही समय के साथ अपने आप को बदलने की कोशिश कर लें, खाली पेट तो कहते हैं भगवान का नाम भी लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम लोग इतने भी, इतना पुराने ज़माने की अगर बात करें तो बहुत लोग कितने दिन तक फास्टिंग करते थे। अब तो हम लोग थोड़ा सा भी फास्टिंग करते हैं तो लगता है वो जूस पी लेते हैं, फ्रूट्स खा लेते हैं। तो हर चीज़ अपने, हमारा ना एक भरपूर पेट का होना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अब हम पहुँच गए हैं, देखते हैं लंच में क्या क्या यहाँ पे मेन्यू में अवेलेबल है। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको दिखाने की जितना मैं दिखा पाई आपको, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने तो थोड़ा सा ही वीडियो बनाया यहाँ का और मैं सीधा अपनी प्लेट लेकर अपना अलग से, जितना मैंने यहाँ पे सब कुछ आइटम मैंने सारा खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, मुझे बहुत, मैं अपना भूख कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। तो सभी अपने आप को ना कितना ही रोक लें, लेकिन इतनी वैरायटी ऑफ फूड मिलता है तो हर कोई चाहेगा कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। देखिए, मतलब भूल जाओ कि कितना लेना है, क्या करना है, कितना खाना है, जो मन करता है आपने खाना है, कोई रोक टोक ऐसा नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि आहा, अगर पेट में हमारा अच्छा अच्छा खाना मिल जाए तो जीवन ही संभल जाता है।
इडली सांभर बहुत कुछ ऑप्शन था यहाँ पे लंच में, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, वैरायटी ऑफ फूड्स। आप सब भी अगर आपको भूख लग गई तो ज़रूर कुछ ना कुछ खाइए, क्योंकि खाना ही सब कुछ है। असली जीवन का एक जो फन होता है वो हमारा यही टाइम है। तो बच्चों के साथ हर एक मस्ती का ना एक पार्ट वो एक फ़न में डेवलप हो जाता है, और अगर थोड़ा बहुत फ़न में हम डांस को इंक्लूड कर दें तो और भी बात बन जाती है। तो यही है कि बस रॉक एंड रोल हो जाओ, उसके बाद तो ना थोड़ा बहुत ध्यान की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। मैं ध्यान करती हूँ और कराती भी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है हर चीज़ को ध्यान से रिलेट करने का, जोड़ने का। सुबह सुबह का ये मैं बहुत ही अच्छा सुंदर व्यू दिखा रही हूँ आपको, जो मैंने कैप्चर किया था। सूरज की जो ये किरण एकदम से आपके फेस पे पड़ती है ना, तो आपको एक कहते हैं ना कि सन बाथ, अच्छा सन बाथ आप यहाँ पे ले सकते हैं। सन बाथ के लिए लोग पैसे खर्च करते हैं, जाते हैं, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। अगर आप सच में ग्रीनरी के साथ सन बाथ लेंगे तो उसका एक अलग ही बॉडी को काफ़ी कुछ, आपके फंक्शंस ऐसे एक्टिवेट हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ज़रूर आपने सन बाथ भी लेना है। देखिए कितने सुंदर ये बादल हैं, एक पल को तो ऐसा लगेगा कि जैसे आपसे ये बात कर रहे हैं। जब ये आपके तरफ देखते हैं तो लगता है कि ये आपको ही देख रहे हैं। बादलों में ना अपनी एक खूबसूरती होती है, ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। देखिए कितनी अच्छी ये सूरज की रोशनी आपके फेस पर पड़ती है, आपकी बॉडी पर पड़ती है, बहुत अच्छा लगता है। कम्प्लीटली आपको डिटॉक्सिफाई करती है ये सन की जो रेज आपके फेस पर पड़ती है। कहते हैं ना कि हमारी बॉडी को एक नेचुरली हमें डिटॉक्सिफिकेशन का एक वे है, ये एक ज़रिया है। उसके बाद कुछ स्पोर्ट्स हो जाए, सभी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज की गई हैं। स्पोर्ट्स का एरिया अलग है, स्विमिंग का एरिया अलग है, बुफे का एरिया अलग है, बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में रूम्स भी यहाँ पे स्ट्रक्चर किए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे बैडमिंटन खेला, काफ़ी और स्पोर्ट्स भी मैंने यहाँ पे इंजॉय किए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में इतना अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं सब कुछ खेलती हूँ, मुझे स्पोर्ट्स से भी बहुत लगाव है। मैं योगा भी करती हूँ, मेडिटेशन भी करती हूँ, तो हर कुछ अपना एक अलग अलग तरीका है। अब सुबह सुबह जब आप पक्षियों को देखो और उनकी जो चिरमिंग साउंड्स होते हैं उनको देखो, कैसे ये लोग देखो इनका क्या लाइफ है, क्या लाइफ है इनकी, ये लोग इस लाइफ को कितने अच्छे से इन्जॉय करते हैं। तो मुझे इन लोगों को कैप्चर करना बहुत अच्छा लगता है। देखिए लगता है कि कैसे आपस में बात कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा इनको कैप्चर करना। मैंने काफ़ी देर तक इनको ऑब्ज़र्व किया। जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मैं नेचर के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करती हूँ, ये मेरा तरीका है। आप अपने तरीके से भी अपने समय को एक अलग तरीके से भी इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए आज के टाइम पे तो हर कोई आइसोलेट हो चुका है, लगता ही नहीं है कि जीवन में कुछ है। अपने आप से बातें हम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप एक दिन किसी के घर जाएंगे तो दो दिन वो, तीन दिन आपको एंटरटेन करेगा, चौथे दिन तो वो बोल देगा नो एंट्री, क्योंकि हर कोई इतना झेल नहीं सकता। तो इससे अच्छा है कि आप किसी के ऊपर जाके उसको प्रेशराइज करें कि हमारा वेलकम करो। अपना वेलकम आप खुद कीजिए, सेल्फ टॉक कीजिए। लोग आपको पागल बोलें, बोलने दीजिए। ये देखिए ना, पक्षियाँ भी तो, ये जो पशु पक्षी होते हैं इनके पास क्या होता है, ये अपने आप ही ज़िंदगी में नेचर के वॉक करते हैं। ये देखिए एक और आपको एग्जांपल दे रही हूँ मैं, कितने अच्छे से ये लोग बातें कर रहे हैं, है ना। और ऐसा नहीं है ये काफ़ी लॉन्ग टर्म तक एक अपने साथ में है, नहीं 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 अलग भी होते हैं, इधर कोई उस डायरेक्शन में जाता है तो कोई इस डायरेक्शन में जाता है। तो सबका अपना जीवन का एक नज़रिया है जीने का। तो सन बात ज़रूर लीजिए, ज़रूर नेचर को इन्जॉय कीजिए। सन बात के साथ साथ आपको मेडिटेशन भी करना चाहिए,
टैनिंग हो जाए बॉडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 दिन अगर आप सन बाथ लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद इन्होंने हमें बाय बाय भी कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ से अपना चेकआउट भी बहुत ही आसानी से अच्छे से सफलतापूर्वक कर लिया था। मैं विक्रम शर्मा जी को भी थैंक यू बोलूँगी, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में उन्होंने हमारा स्टे यहाँ पे कराया था, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करी थी, क्योंकि बहुत अर्जेंट वे में हमारा स्टे यहाँ पे हुआ था। अच्छा लगा क्योंकि एक दिन का समय था और एक दिन के समय में मेरे बच्चों ने हमने काफ़ी इन्जॉय यहाँ पे किया था, क्योंकि अगले दिन ऑलमोस्ट वही होता है कि बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, जाना होता है, फिर वही दिल्ली की लाइफ और वही भागा दौड़ी वाली लाइफ, वही सोचना क्या करना है क्या काम करना है। उससे बेटर है कि थोड़ा बहुत नेचर की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। तो आप भी ज़रूर जाइएगा रीज रिजॉर्ट, ये जिम कॉर्बेट में है, बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है और काफ़ी अच्छे से आप यहाँ पे अपना टाइम स्पॉन्ड आप और काफ़ी अच्छे से आप यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं फैमिली के साथ। तो ज़रूर जाएँ और शेयर कीजिए मेरे साथ अपने अनुभव। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।